अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड रिजल्ट 2019। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे डीएलएड 2017 तृतीय सेमेस्टर सहित बीटीसी के कई सेमेस्टरों का स्कूटनी का परिणाम हो चुका है जारी। दोस्तों डीएलएड और बीटीसी स्कूटनी का रिजल्ट घोषित। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर पेपर की तैयारी दोस्तों कैसे करना, और 14 नवंबर से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि आपको पता होगा कि डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर में लगभग 54,000 बच्चों के भी बैक आई है। जी हाँ दोस्तों, 54,000 से अधिक छात्रों की बैक है। तो इनके लिए एक बड़ी अपडेट इसलिए है दोस्तों, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि जो तृतीय सेमेस्टर का स्कूटनी का रिजल्ट जारी हुआ है उसमें कितने बच्चे पास हो रहे हैं। तो दोस्तों उससे ये बच्चे कुछ अपना आइडिया लगा सकते कि वो बच्चे पास होंगे या फेल होंगे, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि देखिए सभी का स्कूटनी का रिजल्ट लगभग मिलता जुलता ही आता है। चलिए दोस्तों देखते हैं पूरी खबर क्या है आज की। तो बीटीसी और डीएलएड स्कूटनी का परिणाम हो चुका है घोषित। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बीटीसी 2013, 14, 15 एवं डीएलएड 2017 के सेमेस्टर की परीक्षाओं का स्कूटनी परिणाम घोषित कर दिया। दोस्तों एक चीज और हम बता दें, अगर आपको अपना रिजल्ट देखना है तो दोस्तों हम आपको एक लिंक दे देंगे, तो लिंक के माध्यम से दोस्तों आप लोग अपना रिजल्ट सबसे पहले देख सकेंगे स्कूटनी का। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस लिंक को हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे, तो सबसे पहले आप लोग अपना रिजल्ट वहां से एक्सेस कर पाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो चलिए दोस्तों पूरी खबर देखते हैं, खबर क्या आई है पेपर में। सचिव परीक्षा नियामक अनिल भूषण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में सोमवार को ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी समिति की बैठक में बीटीसी 2013 चतुर्थ सेमेस्टर, बीटीसी तृतीय सेमेस्टर 2014, बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर 2014 के स्कूटनी के परिणाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। परीक्षा परिणाम यथावत रहा। बीटीसी तृतीय सेमेस्टर 2015 के 135 अभ्यर्थियों ने स्कूटनी के लिए आवेदन किया था, इसमें 120 का परिणाम यथावत रहा, जबकि 14 परीक्षार्थियों का परिणाम संशोधित किया गया। बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर 2015 के 470 अभ्यर्थियों ने स्कूटनी के लिए आवेदन किया था, इसमें से 441 का परिणाम यथावत रहा। देखिए दोस्तों 470 बच्चों में 440 बच्चों का परिणाम वही रहा, कुछ चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन जबकि 29 परीक्षार्थियों का परिणाम संशोधित किया गया। डीएलएड 2017, जी हाँ दोस्तों डीएलएड 2017 परीक्षा तृतीय सेमेस्टर में पंजीकृत 6810 अभ्यर्थियों में 6116 का परिणाम यथावत रहा, जबकि 694 के दोस्तों जो बच्चों के परिणाम में बदलाव के साथ 279 बच्चे पास हुए। तो दोस्तों हमारा जो रिजल्ट आया था लगभग, जब 6810 बच्चों ने स्कूटनी के लिए आवेदन किया तो दोस्तों उसमें से सिर्फ 279 बच्चे ही पास हो पाए। तो आपके साथ भी दोस्तों क्या होगा, लगभग आपको 54,000 बच्चे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों चलिए ठीक है, लगभग 1,000 बच्चों के पास होने की उम्मीद जग चुकी है कि कम से कम नहीं तो 1,000 बच्चे तो पास होंगे ही होंगे। अब दोस्तों देखिए ये भी क्या और खबर आई न्यूज़पेपर में कि स्कूटनी में चंद अभ्यर्थियों का बदला रिजल्ट। तो दोस्तों वही देख रहे होंगे, जबकि 279 बच्चों सीट घोषित किए गए, ऐसे बीटीसी 2015 से तो सेमेस्टर के लिए 470 पंजीकृत हैं। तो दोस्तों सब पास मिला जुला था, यही थे कि ज़्यादा बच्चे पास नहीं होते हैं, लेकिन हाँ कुछ बच्चों की किस्मत जरूर चमकी, कुछ बच्चे जरूर पास हुए, ऐसा नहीं कि सभी बच्चे फेल हुए। तो दोस्तों वही बात होती है ना, जो बच्चे ज़्यादा लिख कर आते हैं वो बच्चे अक्सर पास हो जाते हैं। देखिए लेकिन स्कूटनी में दोस्तों आपको, हमने आपको पहले बता रखा होता क्या है स्कूटनी में दोस्तों, बस वही चीज़ देखी जाती है कि जो टीचर ने आपको मार्किंग दे रखा है, जो आपको नंबर दोस्तों कभी कभी ऐसे नहीं दिया रहता टीचर ने, देखिए जल्दी जल्दी 111 ऐसे दिया रहता दोस्तों, तो कभी कभी जोड़ में दोस्तों कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, तो उन्हीं को देखा जाता है। एक भी नए क्वेश्चन को दोस्तों, जैसे कभी कभी देखिए दो चीज खाली की जाती है, पहला तो दोस्तों ये देखा जाता है यार कोई क्वेश्चन जो आपने करके आया, आंसर क्वेश्चन आंसर करके आए, कोई अगर आंसर आपका चेक नहीं हुआ है तो दोस्तों उसको चेक करके आपको नंबर दिया जा सकता है। अगर किसी भी प्रश्न में टीचर ने आपको दो नंबर दे रखा है, दो नंबर का क्वेश्चन मगर एक नंबर दिया है, तो दोस्तों जो स्कूटनी में किसी भी टीचर के पास ये अधिकार नहीं होता कि उस एक नंबर को वो डेढ़ नंबर कर सके, ठीक है। तो एक को डेढ़ नंबर दोस्तों करना असंभव है, लेकिन हाँ इतना जरूर हो सकता है कि अगर कोई क्वेश्चन चेक नहीं हुआ, छूट गया है, पहले आपने दोस्तों एक लाइन ही लिखा है, तो टीचर चाहे तो दोस्तों आपको वहाँ पर आधा या एक नंबर दे के आपको पास करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं है तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये बात तो सिंपल सी है। तो जो बच्चे ज़्यादा लिख कर आते हैं अधिकतर दोस्तों वो बच्चे पास होते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग कि जो बच्चे डीएलएड 2017 बैच के हैं, यह दोस्तों चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर बिल्कुल सर पर आ चुका है, अब यह कह सकते हैं कि 14 नवंबर से इनका पेपर शुरू होने वाला है। तो दोस्तों अब इन बच्चों को क्या करना चाहिए, पहली बार दोस्तों देखिए अगर आपके पेपर आ चुके हैं तो आपको भाई तैयारी दिन रात जुट जाना है और कड़ी मेहनत करनी है। दोस्तों आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मैथ और इंग्लिश को अच्छे से पढ़ लिए तो दोस्तों फिर लगभग आपका डीएलएड 2017 क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस बार बच्चों में एक बहुत ही बड़ा डर बन गया है। जी हाँ दोस्तों, डर बनने का एक कारण
भाई क्या है, समझ रहे होंगे आप लोग। डर इसलिए दोस्तों बना क्योंकि जो आपका डीएलएड का रिजल्ट आया था अभी सेकंड सेमेस्टर का, जब 54,000 बच्चों की बैक देखते ही सभी बच्चों के पसीने छूट गए। ठीक है दोस्तों, जब 54,000 से अधिक बैक अचानक से आप देखेंगे यार कि एक दो बच्चे नहीं 54,000 बच्चे फेल हो जाते हैं, तो दोस्तों डरना लाजमी हो जाता है कि क्या होगा। लेकिन दोस्तों देखिए, आप पेपर में जब जाइएगा आपके पास देखिए एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आपने पहले से प्रथम सेमेस्टर द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर का पेपर ऑलरेडी आपने पास करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, मतलब सेमेस्टर बैक वाले तो बच्चे होंगे ही नहीं, एक दो में अगर आपकी बैक है तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए फिलहाल में देखिए आने वाले टाइम जब शिक्षक भर्ती आएगी तो वहाँ पर आपका BTC या DLED का कोर्स क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई शिक्षक भर्ती आ जाती तो 7 दो की बात तो सियोर है कि आप उसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, नहीं आती तो कोई बात ही नहीं, फिर आपसे चाहेंगे यार ना ही आए तो सही है। तो दोस्तों एक बात आपको समझना है कि मैथ और इंग्लिश का पेपर में गलती क्या होती है बता दें। काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वीडियोस देखे हमारी और वो बच्चे पास हुए, उनका रीज़न दोस्तों ये था ना पास होने का, उन बच्चों ने मेहनत बहुत ज़्यादा की थी। अब आपके पास देखिए हमारी अगर कोई 4 घंटे की वीडियो है तो दोस्तों आप वो 4 घंटे की वीडियोज़ को आपको देखने के लिए कम से कम नहीं तो 12 से 15 घंटे होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमने 4 घंटे सिर्फ सवाल आपको सॉल्व करके हर चीज़ समझा रखा है, लेकिन आपको खुद को रिविजन भी तो करना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि 2 मिनट की आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आप 2 मिनट में इसको कवर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। उसके लिए थोड़ा बहुत आपको समय चाहिए होगा समझने के लिए, और सिंपल सी बात यार अगर आप कोचिंग में जाते तो कोचिंग में 4 से 5 क्वेश्चन ही हो पाते एक दिन में, ठीक है आपको पता होगा, लेकिन उसमें 4 से 5 क्वेश्चन करने में आपका 1 घंटे का समय व्यतीत हो जाता है। तो दोस्तों वही बात है, हमने तो आपको ढेर सारे क्वेश्चन बना रखे थे, हमने वीडियोज़ काफ़ी दिन पहले बना रखी थी तो आपने देखा ही नहीं, तो ये आपकी दोस्तों गलती हो सकती है। तो हम चाहेंगे दोस्तों फिर भी अगर आप चाहते एक बार रिवीजन कर सकते हैं मैथ और इंग्लिश को लेकर, क्योंकि हम चाहते हैं दोस्तों कि मैथ और इंग्लिश में आपकी बैक ना लगने पाए। अगर आप ये 2 सब्जेक्ट्स में बच जाते हैं तो समझ लीजिए आपका डीएलएड 2017 क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर आपके जो टीचर्स होंगे जो पेपर को अगर आसान बनाना चाहिए इजी मोड होगा तो ग्रामर पोर्शन को कम कर सकते हैं। इंग्लिश में दोस्तों देखिए जो बच्चों की बैक आती है वो ग्रामर की वजह से ज़्यादा आ जाती है, अगर आप ग्रामर ही ग्रामर रख देंगे तो इंग्लिश और मैथ समझ लीजिए सेम हो गया। ग्रामर का भी एक रूल है, अगर आप एक भी अक्षर वहाँ गलत लिखते हैं, एक भी वर्ड्स गलत हो गया, एक गलती की सजा दोस्तों आपकी क्या हो सकती है 0 नंबर हो सकती है। ठीक है, अब 1 नंबर का क्वेश्चन है यार उसमें आप कुछ गलत करके आएंगे तो एग्जामिनर नंबर कहाँ से देखना, तो ये बात को भी आपको समझना पड़ेगा। तो दिक्कतें तो काफ़ी है दोस्तों, बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आप आ चुके हैं, देखते हैं क्या होगा थोड़े समय बाद। तो अब दोस्तों जब डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के स्कूटनी का फॉर्म ये सब भरा जाएगा तो दोस्तों आपको ये चीज़ ये देखना है कि यार आवेदन कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ बच्चों को फ़ायदा मिलेगा कुछ बच्चों को नहीं होगा, लेकिन दोस्तों जो बच्चों को फ़ायदा मिलेगा उनको ये सबसे बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा कि उनको दोबारा सिर्फ पेपर नहीं देना पड़ेगा, मेन बात ये होती है कि यार दोबारा पेपर ना देना पड़े। तो इस स्कूटी का रिजल्ट से दोस्तों आप लोगों को काफ़ी प्रभावित होंगे आने वाले टाइम में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको और भी कोई दिक्कत हो कुछ भी पूछना हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, तो दोस्तों हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों देखिए व्हाट्सएप मैसेज सिर्फ इसलिए कीजिएगा कि अगर आप जिस सेमेस्टर में तो आपको कुछ वीडियोस चाहिए होगी हेल्प, तो हम दोस्तों आपको हेल्प ही कर सकते हैं और ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते। देखिए आप लोग काफ़ी कॉल बच्चे करते हैं, देखिए हम कॉल नहीं उठा पाते इसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे, सॉरी बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों इतना काम रहता है दोस्तों कि अभी हम पता है आपके लिए हर दिन कुछ ना कुछ। देखिए पहले नंबर लिख लीजिए 8738079216। ठीक है दोस्तों 8738079216। देखिए हम आपके लिए प्रॉपर यूट्यूब पर यूपी टेट की वीडियो, सी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, तीनों के लिए वर्क कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों डीएलएड के सारे सेमेस्टर, उसके बाद बीएड का कोर्स, टीजीटी, पीजीटी, मतलब हर चीज़ के लिए दोस्तों हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो यार इतना टाइम नहीं हो पाता, लाखों बच्चे हैं, आप लोग का जो हमें प्यार मिलता है सपोर्ट मिलता है दोस्तों इसी की वजह से हम इतने आगे आज बढ़ चुके हैं। तो लेकिन दोस्तों इतना है, आप लोग के लिए जो भी दोस्तों हेल्प की होगी वीडियोज़ के माध्यम से दोस्तों वो हम आपके लिए प्रॉपर बनाते रहेंगे। तो फिलहाल दोस्तों हमने कोशिश किया कि आपके पहले सेमेस्टर से लेके, जी हाँ दोस्तों पहले सेमेस्टर से लेकर 4th सेमेस्टर तक लगभग सभी सेमेस्टर की दोस्तों मैथ की वीडियोस हमने कंप्लीट की। एक चीज़ और बताएंगे, अगर आप हमारी मैथ की वीडियोस लेते हैं देखते हैं, फ़ायदा आपको तब ही मिलेगा जब आप उसको समझेंगे। जो बच्चा रट कर जाएगा ना मैथ में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, हम पहले बता दें, मत देखिएगा वीडियो, अगर आप समझ के जाएंगे तो ही उसको फ़ायदा उठा पाएंगे, नहीं तो आप कहेंगे यार हमने 4 घंटे की वीडियोस देख ली, रट्टा मार लिया, हुआ कुछ नहीं। देखिए दोस्तों मैथ में कभी क्वेश्चन फंसते नहीं हैं, क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों एग्जाम में क्या कर सकते हैं देखिए हम बता देते, जैसे बोर्ड मार्क्स का सिंपल सा क्वेश्चन होता है 2×6 ÷ 2 + 1 + 2। अब इसी को दोस्तों मैथ से बना सकते हैं 3×4 ÷ 3 + 2 - 4 + 1। ऐसे करके दोस्तों क्वेश्चन में चेंजेस हम कर सकते हैं। अब आपको हमने अगर ये बता दिया कि बोर्ड मार्क्स रूल क्या होता है, तो दोस्तों अगर आपको बोर्ड मार्क्स रूल पता है तो आप बोर्ड मार्क्स के सहायता से इसको कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों बताते हैं कि बोर्ड मार्क्स क्या होता है,
का मतलब ये होता है सबसे पहले हम ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, डी का मतलब डिवाइड। सबसे पहले हम भाग करते हैं, भाग के बाद दोस्तों एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, भाग के बाद हम गुणा करेंगे, ठीक है। गुणा का मतलब दोस्तों ए से एडिशन होता है मतलब जोड़, ऐसे सब्ट्रैक्शन होता है मतलब घटाना। लास्ट सबसे काम जो लास्ट में सबसे बड़ा काम रहेगा वो हमारा घटाने का रहेगा। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, भाग का चिन्ह है इसको देखेंगे, भाग के बाद हम गुणा वाला चिन्ह देखेंगे ये वाला, गुणा के बाद दोस्तों हम देखेंगे जोड़ कहाँ कहाँ पर है, जोड़ जोड़ कर देंगे फिर लास्ट में घटा देंगे। तो ये तरीका होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप मैथ की इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें दोस्तों देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप गलती कर जाएंगे। हम नहीं चाहते कि आप गलती करें जिससे कि आपका पेपर में नुकसान हो। तो अगर आप कोचिंग में जाते हैं दोस्तों तो वहाँ पर एक सवाल को समझाने के लिए काफ़ी समय टीचर लेता है कि आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों हमने इस वीडियो को 4 घंटे में खत्म तो किया, लेकिन उसमें इतने ढेर सारे क्वेश्चन हैं ना कि आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार वो 4 घंटे सिर्फ 4 घंटे नहीं, वो तो 40 घंटे का काम है। लेकिन दोस्तों हमने एक वीडियो में सारा सिलेबस इसलिए मेंटेन किया आपके लिए, काफ़ी बच्चे कहते थे सर हमें वीडियोस मिलती नहीं, हम ढूंढ नहीं पाते आपकी वीडियोस कहाँ चली जाती है। तो हमने कहा यार कहीं नहीं जाएगी, अब तो एक ही वीडियोस में आएगी, नहीं तो दोस्तों 4-4 मिनट के अगर 10-10 मिनट की वीडियो बनाते ना तो काफ़ी बड़ी वीडियोस बन जाती है, ठीक है। क्योंकि 1 घंटे में 7 मिनट होता तो 6 लेक्चर यहाँ हो गए, लगभग 24 लेक्चर आते हैं सिर्फ लघु 3 क्वेश्चन के, अति लघु 3 ये सबके अलग अलग। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी, और आप लोग दोस्तों अपना रिजल्ट कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को।